हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन यूर किशोर कुमार जूलॉजी। इससे पहले हमने डिस्कस किया था किडनी और किडनी के फंक्शंस, नेफ्रॉन्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन एंड यूरिन फॉर्मेशन। ये पढ़ने से पहले हम देखते हैं तो नेफ्रॉन्स था वो कहाँ क्या पाया जाता है और उसकी कैसी स्ट्रक्चर होती है वो एक बार डिस्कस करते हैं। देखो, ये है लीवर और लीवर से बन रहे नाइट्रोजन वेस्ट, ये है लीवर, ह्यूमन लीवर, लीवर से बने नाइट्रोजन वेस्ट इनको डाल दिया जाता है, इनको डाल देते हैं जो महाशिरा है उसके अंदर। महाशिरा से ये हार्ट में ये ब्लड, हार्ट इसको पंप करता है, हार्ट के पंप करने से रिटर्न ये ब्लड पहुंच जाता है कंप्लीट बॉडी में। हार्ट ने पंप किया, ये ब्लड रिटर्न पहुंच गया कंप्लीट बॉडी में, कई शाखाओं में डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही एक शाखा निकल के किस में जाती है, किडनी में। दोनों किडनी में शाखा जाती है जिसका नाम हम बोलते हैं रीनल हार्ट। ये अपनी किडनी, ठीक है। किडनी में क्या होता है, एक्सक्रीशन की प्रक्रिया होती है। किडनी में ब्लड आया किसके द्वारा, रीनल आर्टरी के द्वारा, ये हो जाएगी रीनल आर्टरी। और जो ब्लड जा रहा है उसका नाम हो जाएगा रीनल वेन, क्या हो जाएगा, रीनल वेन। दोनों से ही जाएगा, ये हो जाएगी रीनल वेन। और इसको छोड़ दिया जाएगा महाशिरा में, ये क्या है, रीनल वेन। यहां तक क्लियर आपको, यहाँ नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इनको किस में डाल दिया गया, महाशिरा से, महाशिरा हार्ट पंप किया और पंप करने के बाद ये वही प्रक्रिया चलती रहती है। अब किडनी में जाने के बाद क्या होता है, किडनी के टू पार्ट होते हैं, ये होता है मेडुला और जो बाहरी पार्ट उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये पाए जाते हैं मेडुलरी पिरामिड, ये क्या होते हैं, मेडुलरी पिरामिड, ये बात हमने डिस्कस की है। जो मेडुलरी पिरामिड होते हैं उनमें पाए जाते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म नलिकाएं, किसकी, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के स्ट्रक्चर्स और फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट किडनी के पार्ट होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये बात हमने डिस्कस की। ब्लड आया, देखो आने वाला पद देख लीजिए, रीनल आर्टरी द्वारा आया, ये रीनल आर्टरी केशिकाओं में डिवाइड हो जाएगी, महान सूक्ष्म सूक्ष्म उच्छिकाओं में। यहां आने के बाद क्या होता है, यहां आने के बाद ये सूक्ष्म सूक्ष्म उच्छिकाएं यहां पूरी किडनी में डिवाइड हो जाती है। यहां से फिर नेफ्रॉन्स होते हैं यहाँ, तो जो नेफ्रॉन्स का बोमेंस कैप्सूल है, मेल पिगियन बॉडी, ये होता है कॉर्टेक्स में, प्रॉक्सिमल ट्यूब पीसीटी, ये भी कॉर्टेक्स में। और जो हैनले लूप होता है वो किस में होता है, मेडुला पार्ट में। इससे पहले वीडियो में हमने शायद डिस्कस किया था या नहीं किया था, ये आप ध्यान से देखिए, जो नेफ्रॉन वो हैनले लूप है, ये हैंडले लूप, ये किस में होता है, मेडुला में। बोमेन कैप्सूल पीसीटी एंड डीसीटी, ये किस में होते हैं, ये कौन सा पार्ट है, कॉर्टेक्स में। तो किडनी के टू पार्ट्स इधर देखते हैं,
उसके संरचनात्मक बेस पे देखें या हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर होती है इसकी, ये टू होती है, टू पार्ट्स में, वन कॉर्टेक्स और नंबर टू मेडुला। तो मेडुला पार्ट होता है उसमें पाई जाती है कलेक्टिंग डक्ट, प्लस नेप वो हैंडले लूप और कलेक्टिंग डक्ट, ये तो पाई जाती हैं मेडुला पार्ट में। और कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं मैल्पिगियन बॉडी, पीसीटी एंड डीसीटी। ये किस में पाए जाते हैं? कॉर्टेक्स में, पीसीटी, डीसी, समीपस्थ कुंडित नलिका, दूरस्थ कुंडित नलिका और बोमैन कैप्सूल या मैल्पिगियन बॉडी। मैल्पिगियन बॉडी ये किस में पाए जाते हैं? कॉर्टेक्स में। जो नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का हैंडले लूप मेडुलरी पार्ट में पाया जाता है, इस आधार पर नेफ्रॉन्स को हैंडले लूप के आधार पर डिवाइड किया गया है, कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन्स, और नंबर टू होता है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन्स, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं, उनका नेफ हैंडले लूप होगा, यहां से स्टार्ट होगा और ये मेडुला का ये पार्ट है जो मेडुलरी पिरामिड अंदर तक जाएगा। तो इनका नेफ्रॉन्स कैसा होता है? जो नेफ्रॉन्स का हैंडले लूप वो होता है, हैंडले लूप कैसा होता है? लॉन्ग। इस कहानी से बोलते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। और जो कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन्स, उसका हैंडले लूप कैसा होता है? शॉर्ट। कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन्स का हैंडले लूप यहां तक पाया जाता है, और जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं उनका हैंडले लूप मेडुला में अंदर तक पाया जाता है। तो ये होते हैं 50%, 15% तो ये होते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, बाकी के होते हैं कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन्स। इनका जो हैंडले लूप होता है ना, ये क्या होता है? ज्यादा पाया जाता है। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद में हम देखते हैं जो ये था हैंड वो नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर देखी। ये था मेल्पिगियन बॉडी, इसमें ग्लोमेरुलस, ये पीसीटी, पीसीटी आगे खुलती है हैंडले लूप में, हैंडले लूप आगे खुलता है डीसीटी में, और डीसीटी आगे खुलती है कलेक्टिंग डक्ट में। यहां तक हमने डिस्कस किया था। ये बना होता है स्क्वमस एपिथीलियम का, ये बना होता है क्यूबॉइडल एपिथीलियम का, और ये बना होता है ब्रूस बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथीलियम। ब्रूस बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथीलियम, ये जो एपिथीलियम होती है जो इसको कवर्ड करके रखती है सेल्स, उनके पार्ट्स हैं ये बने हुए होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखना वीडियो में, उसमें आपको दिखाई देगा। यहाँ तक हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं जो कलेक्टिंग डक्ट के बाद जो वो आता है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से आगे जाता है जो वेस्ट प्रोडक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट से आगे जाते हैं वो माइनर कैलिक्स, फिर जाते हैं मेजर कैलिक्स, इसके बाद में जाते हैं पैल्विस, और पैल्विस के आगे जाते हैं यूरेटर। ऐसे ये एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स आगे जाके और बॉडी ये किडनी से आउट हो जाते हैं यूरेटर द्वारा और चल जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। यहां तक सबने लेक्चर देखा। इसके बाद में हम देखते हैं यूरिन फॉर्मेशन, निस्पंदन, जिसमें क्षमता है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्बेशन, जिसमें अवशोषण होता है, और सिक्रेशन, सिक्रेशन में जो कलेक्टिंग डक्ट है उसमें जो यूरिया था उसको डाल दिया जाता है कलेक्टिंग डक्ट से, वो मेजर पेल्विस, माइनर पेल्विस, कैलिक से यूरिथ्रा में डाल दिया जाता है।
अब हम डिस्कस करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है? फिल्ट्रेशन ब्लड का, तो ब्लड का फिल्ट्रेशन के लिए जो रीनल आर्टरी थी वो डिवाइड हो जाती है सूक्ष्म कैपिलरीज में, जिसका नाम होता है जो ब्लड लेके आती है बोमेन कैप्सूल में, ये है बोमेन कैप्सूल, मेलपिगियन बॉडी बोलते हैं जिसमें। तो ये ब्लड लेके आ रही है, उसको तो हमने क्या बोल दिया, एफरेंट आर्टियोल, और जो ब्लड लेके जा रही है उसे बोल दिया इफरेंट आर्टियोल। ये हो जाएगी अभिवाही, सॉरी अब इफरेंट बोल देते हैं, इफरेंट आर्टियोल, और ये हो जाएगी एफरेंट आर्टियोल, एफरेंट आर्टियोल, अभिवाही और ये अपवाही। यहां पर क्या प्रोसेस होती है, जो एफरेंट आर्टियोल लेके आ रही है ये किस में डिवाइड हो जाती है, केशिकाओं में, सूक्ष्म सूक्ष्म नलिकाएं। और ये सूक्ष्म नलिकाएं कैसी होती हैं, इनमें सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं माइक्रोस्कोपिक। ये क्या करवाते हैं, फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। साथ में एक एफरेंट आर्टियोल का व्यास ज्यादा होता है, इफरेंट आर्टियोल का व्यास होता है ना ये क्या होता है, कम होता है। इसके कारण प्रेशर से यहाँ पर ब्लड छन जाता है, एक लार्ज सरफेस प्रोवाइड करता है केशिकाओं बढ़ जाने कारण, इस कारण यहाँ पर फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है। दोबारा समझो, एक तो इसका डायमीटर, नंबर टू इन केशिकाओं में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, नंबर थ्री ये केशिकाएं बहुत सारा एरिया प्रोवाइड करती हैं, इस कारण इन तीन स्टेप के कारण यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है। जो फिल्ट्रेट मटेरियल है यहाँ से केशिकाओं से फिल्टर होके एक दाब लगता है फिल्टर होके, और ये आ जाता है नेक रीजन, और नेक से आ जाता है, नेक से आ जाता है पीसीटी, प्रोक्सीमल कन्वर्टेड ट्यूब, पीसीटी, समीपस्थ कुंडित नलिका, और समीपस्थ कुंडित नलिका आगे जाके बनाती है हेनले लूप, ये बनाती है लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी है, और आगे जाके ये खुल जाती है कलेक्टिंग डक्ट में। ओके स्टूडेंट्स, ये कलेक्टिंग डक्ट हो गई, ये हो गई डीसीटी, ये हो गई लूप ऑफ हेनले, यू शेप की नलिका, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं यहां पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया हुई, तो ये फिल्ट्रेट होता है पर डे का, पर डे का होता है 180 लीटर, पर डे होता है 180 लीटर, तो 180 लीटर फिल्ट्रेट होता है, तो हम क्या 180 लीटर सुसु करते हैं, नहीं, तो उसका क्या होता है, उसका होता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, उसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। और वो रीएब्जॉर्प्शन किस में होता है, ये इफरेंट आर्ट्रियोल थी ना, ये इफरेंट आर्ट्रियोल थी ना, ये इफरेंट आर्ट्रियोल ये बनाती है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, इसके चारों ओर बनाती है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, और ये आगे जाके खुल जाती है किसमें, ये हो जाती है वेंस, ये खुल जाती है वेंस में, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का क्या वर्क हो जाएगा, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, देखो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आया, देखो यहाँ फिल्ट्रेशन तो हुआ है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई जो पीसीटी डीसीटी हेनले लूप है उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई करेगी, और ये ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, इस कारण इसको हम नाम देते हैं रीनल वेन में खुल जाती है, इसलिए इसको नाम देते हैं हम वेन, जो आगे जाके खुल जाती है रीनल वेन। ये स्टोरी आपको समझ में आई हो। अब हम बात करते हैं एक फिल्ट्रेशन होता है जिसे बोलते हैं नेट फिल्ट्रेशन, नेट फिल्ट्रेशन, नेट फिल्ट्रेशन रेट NFR, तो ये कैसे निकालते हैं, तो ये निकलता है, देखो ये अपना ग्लोमेरुलस है, ये देखो यहां पर वो मेलपिगियन बॉडी, ये मेलपिगियन बॉडी है, ये बोमेन कैप्सूल है,
इसमें बहुत सारी आ रही है क्या, केसिकाएं आ रही हैं यहाँ पे, और ये केसिकाएं आगे जाके हो जाती हैं किसमें, इफरेंट आर्टियोल में। ये ब्लड आ रहा है, इसको हम बोलते हैं ब्लड कोलोइडल ओस्मोटिक प्रेशर। यहां पर जो ब्लड आ रहा है ना इन केसिकाओं में, इसे बोलते हैं ब्लड कोलोइडल ओस्मोटिक प्रेशर। और यहां पर ब्लड है उसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसे बोलते हैं GBHP, ग्लोमेरुलस ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और यहाँ पे जो एक दाब लगता है, देखो ये तो यहाँ पे अंदर जाने की कोशिश करेगा, दाब लग रहा है ना, इसका डायमीटर कम है इसका ज्यादा है, तो यहाँ पर दाब लगेगा तो अंदर जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर एक दाब लगता है जिसे बोलते हैं GBHP, क्या बोल रहे हैं हम, GBHP, ये तो अंदर की साइड में जाने की कोशिश करेगा। इसके विपरीत एक दाब लगता है जो इसको, जो अंदर ब्लड है या फिल्ट्रेट मटेरियल है जो प्लाज्मा ब्लड का छना हुआ भाग, वो इसको बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। ये देखो ये बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है, इसे हम बोलते हैं CHP, CHP, इसे बोलते हैं CHP, कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसे बोलते हैं CHP, कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। साथ में एक प्रेशर और लगता है उसे बोलते हैं BCOP, इसे बोलते हैं BCOP, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, BCOP, दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा, देखिए यहां थोड़ा, ये है BCOP, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये प्रेशर कैसा होता है, देखो ब्लड में आयन होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, तो वो वॉटर के साथ बाउंडेड होती हैं, जब वाटर और प्लाज्मा यहाँ से फिल्ट्रेट होता है तो वहां उसको एक प्रेशर लगाते हैं, ब्लड को वापसी उधर खींचने का काम करते हैं, उसे बोलते हैं ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड में लग रहा है। एक होता है कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो कैपिलरी में जो फिल्ट्रेट मटेरियल है वो उसको विपरीत दाब लगाता है कि आप वहीं पे रहो, क्योंकि यहाँ पे भी तो वो है ना फिल्ट्रेट मटेरियल, वो इसको विपरीत दाब लगाता है, उसे बोल दिया कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इस कैपिलरी द्वारा लग रहा है। एक है ग्लोमेरुलस ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये टोटल ब्लड प्रेशर है, यानी जो ब्लड आ रहा है ना इनमें, एक नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, ये एफरेंट आर्ट्रियोल द्वारा आ रहा है, तो इसकी बात करें ये होता है 60 mmHg में नापते हैं हम प्रेशर को, ये होता है 20 और ये होता है 30। अब हमसे निकलवाए नेट फिल्ट्रेशन रेट, तो नेट फिल्ट्रेशन रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नेट फिल्ट्रेशन रेट इजकल टू GBHP ग्लोमेरुलस ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये कितना है 60 mm, इसको लेस कर देते हैं किसमें, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर BCOP प्लस में CHP कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर CHP, ये कितना है 30, ये है 20। सॉल्यूशन किया तो कितना आया 10 mmHg, तो ये क्या है नेट फिल्ट्रेशन रेट NFR, इनका नाम आप बुक में देख सकते हो, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसे ब्लड कोलोइडल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसे कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। दोबारा से देखिए, कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये कैपिलरी लगाती हैं जो इसको ब्लड को बाहर, यानी एंटी लगाती हैं, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो ब्लड में आयन है प्रोटीन है वो पाए जाते हैं, वो इसके एंटी दाब लगाते हैं, और ये इसके एंटी यानी ये छनने का काम कर रहा है, इसे बोलते हैं ब्लड ग्लोमेरुलस ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। नेट फिल्ट्रेशन रेट का भी याद करवाए तो आप याद कर सकते हो 10 mmHg। यहां तक आपको समझ में आया होगा, अब एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, जो ये ब्लड फिल्ट्रेट हो रहा है ये पर डे फिल्ट्रेट होता है 180 लीटर, क्या आप 180 लीटर सुसु करते हो, नहीं करते ना,
तो उसके लिए क्या होता है, जो ये ब्लड आ रहा है उसको क्या करते हैं, रीएब्जॉर्वेशन करते हैं, और वो रीएब्जॉर्वेशन की प्रक्रिया होती है पीसीटी में, लूप ऑफ हेनले में और डीसीटी में, इनमें किसी में कम किसी में ज्यादा ऐसे रीएब्जॉर्वेशन की प्रक्रिया होती है। तो ये 180 लीटर आया, इसका 180 लीटर को मान लो 100% माने, तो इसका 99% रीएब्जॉर्ब हो जाता है। 99% रीअब्सॉर्ब हो गया तो कितना, 1%। तो हम पर डे जो यूरिया सिक्रेट करते हैं तो वो कितना है, 1.5 लीटर। कितना यूरिया सिक्रेट करते हैं, 1.5 लीटर। ये आपको समझ में आया होगा। तो एक स्टेप हमने पढ़ ली कौन सी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्वेशन में। इसको मैं थोड़ा यहां साफ कर देता हूं। तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, इसमें आवश्यक भी और अनावश्यक भी दोनों प्रकार के सब्सटेंस आए। तो इसमें कौन कौन आए, यूरिया, वाटर, प्रोटीन नहीं आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये नहीं आती हैं। ब्लड का थना हुआ भाग प्लाज्मा आता है, तो प्लाज्मा में क्या आ जाएंगे, ग्लूकोज, विटामिन्स कुछ और आयंस, ये आते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में यूरिया चाहिए हमें नहीं चाहिए, वाटर जितना चाहिए उतना रख लेते हैं, बाकी को हम एग्जिट कर देते हैं। ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज को बाहर भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। आयंस, आयंस कुछ रखेंगे, कुछ जो हानिकारक है उनको हम बाहर भेज देंगे। तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ये सनकर यहाँ पे आ गए पीसीटी में। अब पीसीटी की हमने डिस्कस की थी, यहाँ पर ब्रुश बॉर्डर क्यूबॉइडल सेल पाई जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, वो क्या काम करते हैं, एक्टिव सक्रिय रीएब्जॉर्वेशन की प्रक्रिया करते हैं, और वो सक्रिय रीएब्जॉर्वेशन जो अपने लिए आवश्यक सब्सटेंस है उनको, तो जो ये आ रही है ना पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी, ये क्या है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी, इसमें क्या कर देते हैं, रीएब्जॉर्ब करवा देते हैं। और जो हानिकारक था इसमें, जैसे कैल्शियम हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन शांत, ये किडनी क्या करती है, एच प्लस आयनों की कंसंट्रेशन नियंत्रित करती है ना, तो ये इसको इसमें डाल देगी एच प्लस आयनों को। तो यहां पर 80% रीएब्जॉर्वेशन हो जाता है किसमें, पीसीटी में, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब। ओके, इसके बाद में जो जाता है सब्सटेंस वो जाता है लूप ऑफ हेनले में। ये लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग और ये है असेंडिंग, ये है डिसेंडिंग, ये है अवरोही, ये है आरोही, ये है अवरोही और ये है आरोही, ठीक है। तो अवरोही भुजा है ये आयंस के लिए परमेबल होती है, आयंस के लिए क्या होती है, परमेबल, और ये अवरोही आरोही भुजा है ये है वाटर के लिए परमेबल होती है, यानी वाटर इसमें रीएब्जॉर्ब हो जाता है और ये आयंस इसमें रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। साथ में पेरिट्यूबुलर कैपिलरी पाई जाती है, जो ज्यादा मात्रा में हानिकारक है उनको हम एग्जिट कर देते हैं, जो अपने लिए कमी हो रही है उसको हम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में, और ये आगे वैन बनाती है, वैन आगे सुपीरियर वैन और हार्ट में, फिर से बॉडी में ये सर्कुलेशन की प्रक्रिया जारी रहती है। और जो डीसीटी पर रीअब्जॉर्वेशन की प्रक्रिया होती है डीसीटी की, तो वो हार्मोन्स पर डिपेंड करती है। हार्मोन्स कौन कौन से, एडीएच हुआ और रेनिन एंजियोटेंसिन हुआ, ये इस पर वर्क करते हैं, ये रीएब्जॉर्प्शन वाटर का और कुछ आयंस का रीएब्जॉर्प्शन करवाते हैं, बचा हुआ सब्सटेंस हम यहाँ पहुंच जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट में हम क्या कर देते हैं, सिक्रेशन, जो इससे एग्जिट कर देते हैं, मेजर पेल्विस, माइनर पेल्विस, कैलिक्स। तो इसी इस प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोल देते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्वेशन। हाय स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम में देखिए, ये पीसीटी, ये डीसीटी, देखो इसमें आयंस का एब्जॉर्वेशन भी हो रहा है, सिक्रेशन भी हो रहा है। ये है वाटर के लिए क्या है, ये वाटर के लिए क्या है, परमेबल,
और ये आयंस के लिए क्या है, परमिएबल। ये आपने देख लिया। आगे क्या होती है, संग्राहक नलिका। यहाँ मैंने बताया था ये है नेट फिल्ट्रेशन रेट, हम ज्ञात करते हैं वो हो जाएगी नेट फिल्ट्रेशन रेट। अब आता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, वर्णात्मक पुनरावशोषण। तो वर्णात्मक पुनरावशोषण में देखो 95 भाग सन कराता है, उसका 0.8 भाग ही यूरिया में जाता है, यानी टॉयलेट या सुसु बनाता है, जिसमें ग्लूकोज विटामिन एमिनो आदि वर्कक नलिकाओं द्वारा रुधिर में वापसी पुनरावशेषित कर लिए जाते हैं। अब अलग अलग बता रहा है समीपस्थ में कौन सा और रीअब्जॉर्प्शन किस किस का, हेनले लूप में किसका, हेनले लूप के दो भाग आरोही अवरोही उसमें किस किस का, दूरस्थ कुंडित नलिका में किसका, संग्राहक नलिका में। तो आप इसके बारे में थोड़ा इसमें देखें, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए, कुछ कमी रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सिक्रेशन, सिक्रेशन में कुछ हानिकारक पदार्थ रंगाकण, बिलुरुबिन, बिलीवर्डिन, यूरिक अम्ल, और ये कुछ एक्स्ट्रा मात्रा में जो आयन थे उनको हम मुक्त कर देते हैं किसमें, नलिकीय श्रावण द्वारा, इसे क्या बोलते हैं, सिक्रेशन। और यहाँ पर देखिए संग्राहक नलिका में हो गया, इससे पहले दूरस्थ कुंडित नलिका में सोडियम आयन और जल का, और इससे पहले आरोही अवरोही इसमें, ये किसके लिए, ये जैसे आयन्स के लिए परमेबल होती है, ये वाटर के लिए इम्परमेबल होती हैं, ये इसके बारे में आप थोड़ा देखें। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे अदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमंस के। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ कमेंट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपनी स्टडी जारी रखें। ओके स्टूडेंट्स।